नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट बहुत जल्दी भयभीत हो जाता है, बहुत जल्दी डर जाता है, बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है, और कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा भयभीत हो जाता है कि फिर वो एंजियस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है और चिल्लाने लगता है, हिस्टेरिक हो जाता है, तो आज मैं आपको एमोनियम वेला रियानिकम, ये एक बहुत ही रेयर मेडिसिन है और हो सकता है इसके बारे में आपने पहली बार सुना हो, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नर्वसनेस के लिए और हिस्टेरिक पेशेंट के लिए, और ख़ासकर अगर न्यूरेल्जिया होता है इसके कारण और हेडेक होता है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आज हम इस छोटी सी लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन के बारे में जानेंगे, तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मैं ऐसे ही नॉलेजफुल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करना कंसीडर करें। और हाँ, अगर आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है kirtivikramsinghparihar@gmail.com। वहाँ पर अपना नाम लिखें, अपनी समस्या लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। और हाँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट इसी वीडियो का या मेरे किसी भी वीडियो को आपने सेंड किया है ईमेल पर और आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपके लिए कंसल्टेंसी फ्री है, बस मैसेज आएगा, पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये मेडिसिन एमोनियम वेला रायनाइकम, काफ़ी इसका प्रोनंसिएशन थोड़ा सा टिपिकल है, और हाँ, लेकिन ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। इसके ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत लोगों को परेशान करते हैं और बहुत लोगों को ये समस्या होती है, इसीलिए ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी है। बहुत लगभग मेरे ख्याल से मैं 1-1.5 साल पहले ये मेडिसिन मैंने पढ़ी थी, उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से ये मेडिसिन मंगवाई क्योंकि मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मिली मुझे 100 ml, और मैंने पहले इसे 30 CH पोटेंसी में यूज़ किया, लेकिन ये 200 CH पोटेंसी में सबसे अच्छा वर्क करती है। तो अगर आपको 200 CH पोटेंसी में मिले तभी आप इसका उपयोग करिएगा, रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। चलिए एमोनियम वेला रायनाइकम इस दवा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके सिम्टम्स बताऊंगा, उसके बाद मैं इसके यूजेस बताऊंगा कि किस किस बीमारी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में बताऊंगा कि आप किस पोटेंसी में यूज़ करें और कैसे यूज़ करें और कब तक यूज़ करें। तो इसके सिम्टम्स दोस्तों, ये नर्वस पेशेंट के लिए सबसे अच्छी है। अगर आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है नर्वसनेस के कारण, तो ये दवा आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और एंजाइटी और नर्वसनेस रहे तो इंसोमनिया, मतलब नींद ना आना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर एंजाइटी नर्वसनेस के कारण इंसोमनिया की प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और अगर एंजाइटी नर्वसनेस के कारण आपको हेडेक हो रहा है, न्यूरेल्जिया है, फेशियल न्यूरेल्जिया है, आप अगर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, और जिसके कारण आपका सर दर्द होता रहता है बीच बीच में, मोस्टली माइग्रेन की भी समस्या होती रहती है, ये पेशेंट फीमेल्स ज़्यादा होती हैं ऐसी पेशेंट, तो फीमेल्स के लिए ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी है। एंजाइटी, नर्वसनेस, हिस्टेरिया और हेडेक, ये कॉमन सिम्टम है और बहुत सारे फीमेल पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और एमोनियम वेला रायनाइकम ये मेडिसिन इस कॉमन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा इसके कोई सिम्टम नहीं है, बस इतने ही सिम्टम हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, हालांकि मेल्स के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पहले नर्वसनेस, एंजाइटी, हिस्टीरिया, उसके बाद नींद ना आना, अगर उस एंजाइटी और नर्वसनेस के कारण हेडेक होता है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। किस पोटेंसी में यूज़ करें, आप इसे
200 CH पोटेंसी में यूज़ करें। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया, 30 CH पोटेंसी में उतना कारगर नहीं है। तो अगर आपको 200 CH पोटेंसी मिल जाती है तो 200 पोटेंसी में लें और दो बूंद इसे आप सुबह सुबह पिए, सिर्फ सुबह सुबह एक बार लें। और ये मेडिसिन आप 15-20 दिन तक लीजिए, फ़ायदा हो तो इससे आप 3 से 4 महीने तक लीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है एंजाइटी, नर्वसनेस, इंसोमनिया और हेडेक, माइग्रेन, ये प्रॉब्लम आपको बहुत दिनों से है। किसी किसी को तो जेनेटिक फैक्टर्स के कारण भी होती है, तो आपको ये लगातार लंबे समय तक ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसके साथ आप चाहें तो रेस्क्यू रेमडी और एस्पेन जैसी पैच फ्लावर मेडिसिन का आप उपयोग करें। दोनों पर ही मेरे वीडियोस हैं, ज़रूर आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा या मैसेज सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। रेस्क्यू रेमडी आप ज़रूर लीजिए इस मेडिसिन के साथ, दो बूंद शाम को और दो बूंद रात में। मोस्टली मैं आज एमोनियम वेलाराइनाइकम, हालांकि इसका प्रोनंसिएशन बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस मेडिसिन को आप विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में पढ़ सकते हैं। 46-47 पेज नंबर है, आप देख लीजिएगा और पढ़िएगा इसे। काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, शॉर्ट है और कॉमन मेडिसिन नहीं है, रेयर मेडिसिन है, ढूंढना पड़ेगा आपको। हो सकता है ऑनलाइन मिले, अगर ऑनलाइन मिलेगी तो मैं ऑनलाइन लिंक भी दे दूंगा, अगर ऑनलाइन नहीं मिलती है तो ऑफलाइन आपको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसका दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।